डियर स्टूडेंट नमस्ते, मैं विजेंद्र जाखड़े गुड्डा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम बोर्ड का जो पेपर की डेट जो मिस हो चुकी थी, आगे जो नई डेट दी गई है 29 जून दिया गया है, उसके लिए रिवीजन करा रहा हूं। अपने ज्योग्राफी के लेसन है परिवहन एवं संचार का अध्ययन किया था, उसके बाद में आज शुरू कर रही है हिस्ट्री का लेसन। हिस्ट्री वाले इस लेसन में से क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है 1-4 अंक का। इसमें वैकल्पिक कोई नहीं, अथवा कोई रूप में नहीं आता है, निबंधात्मक डिजाइन का क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आता है 4 अंक का। पाठ प्रारंभ होता है विश्व का इतिहास में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, सबसे पहले इसका अर्थ जानना हमें बहुत जरूरी है। राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है राष्ट्र और दूसरा है वाद। राष्ट्र का अर्थ क्या होता है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक समान संस्कृति, लगभग समान भाषा और बड़ी प्रसन्नता के साथ जो मानव समूह निवास करता है, उस मानव समूह को राष्ट्र कहा जाता है। जैसे भारत एक क्या है, राष्ट्र है। बांग्लादेश एक क्या है, राष्ट्र है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक राष्ट्र है। इसी प्रकार पाकिस्तान एक राष्ट्र है, ईरान एक राष्ट्र है। क्यों है, क्योंकि इनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, उसके अंदर बड़ी प्रसन्नता और एक सम्मान, राष्ट्रीय गीत, इनके स्वयं के पर्व, स्वयं की संस्कृति, लगभग सम्मान और बड़ी प्रसन्नता के साथ जो मानव समूह रह रहा है वो है राष्ट्र है। वाद का अर्थ परस्पर क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। अब लड़ाई झगड़ा कब होता है कि जो मानव समूह है बड़ी प्रसन्नता और एकता के साथ एकजुट होकर के रह रहा है, उसकी संस्कृति, उसके धर्म और उनके रहन सहन को प्रभावित करके उनके ऊपर थोपी हुई राजनीति होती है, थोपा हुआ शासन होता है, तब वो पूरा मानव समूह है एकजुट होकर के उस नुकसान पहुंचाने वाली व्यवस्थाओं का, नुकसान पहुंचाने वाली संस्थाओं का, नुकसान पहुंचाने वाले राष्ट्रों का सहस्त्र हथियारों के साथ में वो विरोध शुरू करते हैं, उस विरोध को नाम दिया जाता है राष्ट्रवाद। भारत में या विश्व में राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति देखी जाती है वो है 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति। भारत में भी राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ था। क्यों हुआ था, भारत में इसलिए हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक मल्टीनेशनल कंपनी भारत आई, धीरे धीरे उन्होंने शासन की प्रक्रिया बढ़ाई, उसके बाद उन्होंने हम पर राजनीतिक प्रभाव डालने शुरू कर दिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो सारे भारतीयों ने मिलकर के जैसे 1857 की क्रांति की थी, उसके बाद भी बहुत सारे राष्ट्रवाद आंदोलन हुए थे, वे सभी आंदोलन थे, वे उस संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के विरुद्ध सहस्त्र एकजुट होकर के उसका विरोध करते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति दिखती है वो यूरोप में फ्रांस की क्रांति से शुरू होती है, कि फ्रांस के लोग 1789 में एकजुट होकर के लुई 16वें को अपदस्थ करके वहां लोकतंत्र की स्थापना की थी, जनता की सहमति से चुनी हुई सरकार की स्थापना करके लोग एक संविधान का निर्माण किया था, वो था उनका राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के क्या कारण थे, आज जिस यूरोप को आप देखते हैं, आज जिस यूरोप को हम देखते हैं वो यूरोप आज जैसा नहीं था। अनेक कैंटीनों में, अनेक राजशाहियों में, अनेक राजवंशों में और अनेक धार्मिक मजहब के रूप में बटा हुआ यूरोप था। कोई लोग अपने आप को एकजुट नहीं मानते थे, अलग अलग मजहबों में, अलग अलग समाज में, अलग अलग रूपों में बटा हुआ था। अगर किसी की निष्ठा थी तो वो सम्राट के प्रति थी, जैसे जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे हम, जो जर्मन आज जो जर्मन महासंघ देख रहे हैं, जर्मन राष्ट्र हम देख रहे हैं, उसमें 300 छोटी बड़ी रियासतें थी, उन सबको एकजुट किया गया था। उससे पहले सबके सम्राट के प्रति तो निष्ठा थी, लेकिन आपस में कोई व्यवस्था ही नहीं थी, वे लोग अपने अपने मजहब से जी रहे थे। उसी प्रकार उसमें उदय के क्या कारण थे, पहला कारण था मध्यम वर्ग का उदय। यूरोप था ये मुख्य रूप से, यूरोप था ये मुख्य रूप से दो वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग था वो था विशेषाधिकार युक्त वर्ग और दूसरा था विशेषाधिकार विहीन वर्ग। पहला वर्ग था वो थे कुलीन, वे राजशाही लोग आते थे। कौन थे, कुलीन वे राजशाही लोग आते थे, राज परिवार के लोग और उसके साथ जुड़े हुए कुलीन लोग थे। इनकी संख्या मुट्ठी भर थी यूरोप में, इनकी कोई विशेष संख्या नहीं थी, इनकी संख्या मुट्ठी भर थी, लेकिन बाकी की यूरोप की जनता थी वो थी विशेषाधिकार विहीन वर्ग में, जिनके पास सिर्फ कार्य करो, अनाज उत्पादन करो, कार्य करो और अपना जीवन जियो, इसके अलावा उनको किसी प्रकार की कोई राजनीति और शिक्षा में विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं थी। 18वीं सदी के यूरोप में
कि यूरोप की अगर स्थिति देखी जाए तो पूर्वी यूरोप था, पूर्वी और मध्य यूरोप था। पूर्वी यूरोप में तो छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे किसान थे, वो उत्पादन कर रहे थे, लगान के रूप में भूमि को पूज रहे थे। मध्य तथा पश्चिमी यूरोप था, ये विशाल जागीरों में बटी हुई थी। तो ये कुलीन वर्ग के लोग वैवाहिक जीवन से अपने आप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। इनके शहरों में भी व्यवसाय होता था और गाँव में इनकी बड़ी हवेलियां होती थी, जमीन पर इनका कब्जा होता था। गरीब लोगों को, जो विशेष अधिकार विहीन वर्ग के लोग थे, उन लोगों को यह जमीन बता करके अपने कमाई कहने का मतलब उनका शोषण करते थे। अब धीरे धीरे 18वीं शताब्दी में यूरोप में शिक्षा का विस्तार हुआ। जब शिक्षा का प्रसार हुआ तो कुलीन और राजशाही के लोग तो पढ़ रहे थे, पहले से ऑलरेडी थे। जैसे आज की स्थिति भारत में अगर देखी जाए तो हमारे सेठ साहूकार लोग हैं, इनकी हवेलियां जो नेटिव एरिया की, भारत में जब औपनिवेशिक काल था उसमें शहर दो भागों में बंटा हुआ था, एक फोर्ट एरिया होता था और एक नेटिव एरिया होता था। फोर्ट एरिया के अंदर विदेशी लोग रहते थे, नेटिव एरिया में भारतीय लोग रहते थे। तो जैसे हवेलियां और जैसे भवन फोर्ट एरिया में होते थे, हमारे पूंजीपति लोगों के भी भवन उसी प्रकार के नेटिव एरिया में होते थे। कहने का मतलब उनको सुविधाएं थी, वे लोग लंदन पढ़ सकते थे, यूरोप जा सकते थे। मर रही थी तो भारतीय गरीब जनता मर रही थी, तो यहां इन लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं थी, इनके पास में शिक्षा का स्तर अच्छा था। लेकिन जब औद्योगिक क्रियाएं बढ़ती हैं, उसमें शिक्षा का जब प्रसार किया गया तो कौन सा वर्ग पढ़ेगा? किसान वर्ग के, मजदूर वर्ग के बच्चों ने पढ़ा। तो उसमें यूरोप के अंदर शिक्षा, विज्ञान और औद्योगिक क्रियाएं बढ़ी तो व्यापार, लेखन का कार्य, ये सब कार्य थे, ये उस विशेषाधिकार विहीन वर्ग ने करने शुरू कर दिए। शिक्षा के बाद, शिक्षा से पहले की स्थिति देखी होगी, इन्हीं लोगों के पास सारी सुविधाएं थी। अब इन लोगों के पास बुद्धि थी, धन था और इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए इन लोगों ने अपनी बुद्धि, धन और अपने व्यापार के बल पर इन लोगों ने कुलीन और राजशाही वर्ग के विशेषाधिकारों के विरुद्ध आवाज उठाई। तो बाकी की यूरोप की जनता एकजुट होकर के उनका सहयोग किया। जब उनका सहयोग किया, सारे लोगों ने मिलकर के अपने अधिकारों की मांग उठाई, तो कौन सी भावना उत्पन्न हुई? राष्ट्रवाद की। अगर मध्यम वर्ग का उदय नहीं होता, किसान और गरीब मजदूर वर्ग के बच्चे थे, वो पढ़कर के आगे नहीं आते, तो वो अपने अधिकारों की मांग नहीं करते, अपने अधिकारों की मांग नहीं करते तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन आता है, वो आता है उदारवादी राष्ट्रवाद, कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ। निसंदेह रूप से लेखक हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सारे विशेष अधिकार विहीन वर्ग में से आए। ये एक उदारवादी राजनीति चाहते थे कि सबके लिए, कि मानव जन्म के सिद्धांत हैं उसको हटाया जाए और मानव के लिए स्वतंत्रता और उन्हीं के लिए अधिकारों का हनन किसी भी रूप में नहीं किया जाए, सबको समानता का अधिकार प्रदान किया जाए। इसके लिए ये लोग क्या चाहते थे कि भाषण है वो आम व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार भाषण दे सके, कुलीन और राजशाही लोगों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए, लेखन की स्वतंत्रता होनी चाहिए और संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब ये मांग उन लोगों ने उठाई तो इनकी संख्या ज्यादा थी, इन लोग, ये सारे लोग एकजुट हो गए। जब अपनी मांग को मनवाने के लिए इन्होंने विरोध शुरू किया तो कौन सी भावना उत्पन्न हुई? राष्ट्रवाद की भावना। ये उदारवादी क्या चाहते थे? आर्थिक क्षेत्र में, कि उस समय यूरोप के अंदर व्यापारिक क्रियाएं शुरू हुई थी, उस समय यूरोप में होते थे गिल्ड्स। ये कौन होते थे? ये व्यापारियों के शक्तिशाली संगठन होते थे, जो व्यापार के अंदर नए व्यापारियों को आने से रोकते थे। किसी भी उत्पादन की डिजाइन तैयार करनी है, किसी भी व्यक्ति को अगर प्रशिक्षण लेना है, मान लीजिए कपड़ा बुनने का कार्य ही है, अगर कपड़ा बुनने का कार्य का प्रशिक्षण अगर किसी को लेना है तो किसकी अनुमति अनिवार्य थी? गिल्ड्स की। इनकी अनुमति के बिना, और कुछ क्षेत्र प्रांत तो ऐसे थे जिनमें कीमत और सारी चीजें थी वो गिल्ड्स ही निर्धारित करता था, शासक उसमें कौन हो जाता था, ये लोग इनको आगे नहीं आने दे रहे थे। तो उदारवादी आर्थिक क्षेत्र में ये छूट चाहते थे कि पूंजी का निर्वाह रूप से, पूंजी का बिना किसी विवाद के आदान प्रदान होना चाहिए, कि जब हमारे पास पूंजी हो रही है, ये पूंजीपति लोग, गिल्ड्स जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य हम भी करें, हमें इसमें स्वतंत्रता चाहिए। उसमें पूंजी की बहुत सारी, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मुद्राएं थी, ये मुद्राओं को भी एक करवाना चाहते थे। दूसरा, ये राजनीतिक क्षेत्र में चाहते थे कि सहमति से बनी हुई सरकार, ये जो राजतंत्र है, राजशाही है, उसमें उसी परिवार के सारे मंत्री वगैरह, जैसे आज हमारी सरकार होती है वैसे उनकी सरकार होती थी, तो उसमें सारे लोग सम्मिलित होते थे। आज जो सरकार होती है, विभिन्न क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं, वो शासन का संचालन करते हैं। पहले राजशाही परिवार के सारे लोग होते थे, इसलिए जो भी नियम कानून बनाते थे वो सारे अपने हित में बनाएंगे, आम जनता के हित में क्यों बनाएंगे? तो ये चाहते थे कि ऐसी सरकार बने जो सबकी सहमति से बनी हो। सामाजिक क्षेत्र में वो परिवर्तन चाहते थे कि कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं, इनके विशेषाधिकारों को हटाया जाए,
जन्म के आधार पर जो अधिकार मिले हैं वो खत्म किए जाएं और मानव के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये सामाजिक क्षेत्र में छूट चाहते थे। इन लोगों की मांग बढ़ी तो यूरोप की आम जनता ने इन लोगों का सहयोग किया, तो कौन सी भावना का उदय हुआ? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तीसरा था, इंग्लैंड में फ्रांस की क्रांतियां थी, इंग्लैंड में राजशाही के विरुद्ध एक क्रांति हुई थी, उन्होंने ये कह दिया था कि देवी सिद्धांत पर जो राजतंत्र किया जा रहा है वो सरासर गलत है, कि देवता कभी भी इंसान को ये नहीं कहते कि आप इस प्रशासन करो, कि राजा ऐसा कोई देवता का भेजा हुआ पैगंबर नहीं है, ये भी आम सामान्य आदमी है, इसका वैसा ही ब्लड है, सारी चीजें हैं, लेकिन इसका जन्म जब राजशाही परिवार में हो गया या आम जनता प्रशासन नहीं कर सकता। तो ये मांग जब लोगों ने उठाई तो इंग्लैंड की सारी जनता ने विरोध होकर के उनका सहयोग किया, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। ऐसे ही फ्रांसिस क्रांति थी, 1789 की जो विश्व के प्रथम राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति देखी जाती है, उस क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि मानव की स्वतंत्रता इतनी पावन होती है कि किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा उनकी स्वतंत्रता का अपमान अवहेलना नहीं की जा सकती। ये मानव की पावन स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों ने संगठन बनाए और लुई सोलिए को अपदस्थ करके फ्रांस के अंदर जब लोकतंत्र की स्थापना की तो बाकी की यूरोप की जनता ने भी यही प्रावधान किया, सारे लोग संगठित हुए और अपने राजशाहियों के विरुद्ध जब उन्होंने विरोध शुरू कर दिया तो कौन सी भावना उत्पन्न हुई? राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। उसके बाद आता है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आता है। देखो 1789 के अंदर फ्रांस में किसकी स्थापना होती है? लोकतंत्र की। लेकिन जल्दी ही नेपोलियन था, उन्होंने 1806 ईस्वी में अपने स्थापना करके नेपोलियन संहिता एक कोड लागू कर दिया था। नेपोलियन एक सामान्य सैनिक भर्ती हुआ था और सामान्य सैनिक भर्ती होने के बाद में वो अपनी सैनिक कौशलता और अपनी बुद्धिमता के आधार पर फ्रांस का ताज था वो पहन करके उन्होंने पूरे यूरोप के अंदर एक ऐसी संगठित व्यवस्था का स्थापना करने के लिए, पूरे यूरोप को विजित करने के लिए वो अपनी विशाल सेना लेकर के निकला था। तो उन्होंने, लिपान ने यह भी कहा था कि इतिहास के एक मजाकों में से यह भी मजाक है कि जर्मनी का वास्तविक संगठन करता है, जर्मनी के एकीकरण का जन्मदाता था वो नेपोलियन था। नेपोलियन अपनी बढ़ रहा था, ऐसी स्थिति में रूस, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड की सेनाओं ने मिलकर के 1815 ईस्वी में नेपोलियन को परास्त कर दिया। नेपोलियन को परास्त करने के बाद में उन्होंने 1815 ईस्वी में एक वियना सम्मेलन आयोजित किया, वियना शहर के अंदर एक सम्मेलन आयोजित किया। उस सम्मेलन के अंदर जो यूरोप के दिग्गज नेता बोले या उस समय के महान राजनीतिज्ञ बोले, विद्वान लोग बोले, ये संगठित हुए थे और इन्होंने संगठन बना करके वहाँ उस मीटिंग में ये घोषणा की। उस मीटिंग का ये प्रावधान था, उसका एजेंडा था कि यूरोप की बाकी की जनता को लोकतंत्र और अन्य राष्ट्रवादी भावनाएं उन भावनाओं से अलग रखा जाए। अगर उनको अलग नहीं रखा जाएगा ऐसी स्थिति में वो लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, इसका मतलब कैसी शासन व्यवस्था होगी? जो पूर्व में चल रही थी, राजवंशों द्वारा चलाई जा रही थी शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था को थोप दिया। जब उसको थोपा गया था तो इससे पहले देखो 1789 से लेकर के 1815 ईस्वी तक लगभग 26 साल तक यूरोप की जनता थी, उस जनता ने आनंद चख लिया था लोकतंत्र का, अपने मूल अधिकारों का आनंद चख लिया था। उसके बाद में अगर उसको प्रतंत्र किया जाए, जैसे 1947 में भारत आजाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू किया, अब अगर वापस रियासत काल चालू हो जाए कि जयपुर रियासत के महाराजा हमें संभाल रहे हैं, तो क्या हम प्रतंत्र रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसके बाद में इन राजनीतिज्ञों ने नहीं समझा था कि यूरोप के अंदर जिन बीजों का बीजारोपण हो गया है वो अगले 100 वर्षों तक अंकुरित होते रहे हैं और 1815 से लेकर के जिन योजनाओं को लागू किया था उन योजनाओं को ध्वस्त करते रहे थे। इनके अलावा बहुत सारी अन्य यूरोप में थी, जैसे भाषा है, भाषा थी, भाषा ने भी यूरोप में राष्ट्रवाद उदय किया था। इसका मैं आपको उदाहरण दूं कि 1815 ईस्वी के अंदर जो वियना सम्मेलन हुआ था उसमें एक यूरोप का छोटा देश था जिसका नाम था पोलैंड। क्या था? पोलैंड था। इस पोलैंड का नेतृत्व था, क्योंकि नेपोलियन ने स्वतंत्र करवा दिया था, इसका अधिकार था, इसकी सुरक्षा या इस प्रशासन करने का जिम्मा मिला था रूस को। रूस की सरकार ने क्या किया, रूस के शासक ने क्या किया कि इनके ऊपर रूसी भाषा थोप दी गई कि पोलैंड के लोग हैं उनको बुकों के अंदर रूसी भाषा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन पोलैंड के लोग प्रतंत्र थे बेचारे, रूस शक्तिशाली देश था, उनकी बातें माननी जरूरी थी। लेकिन पोलैंड के लोगों ने क्या किया,
कि अपने जितने भी सार्वजनिक या धार्मिक कार्य होते थे उन सभी कार्यों में वो लोग पोलिश भाषा का प्रयोग करते थे, कि पोलैंड की भाषा वो बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि ये जब भाषा वो बोलते थे तो उनके मन में ये विचार होता था कि हम वास्तविक रूप से संगठित हैं, कि किताबों में भले ही हमें पुस्तकों में भले रूसी भाषा पढ़ाई जाए, ऐसा ही कार्य अंग्रेज लोगों ने भारत में किया था और ऐसा ही कार्य फ्रांसीसी लोगों ने वियतनाम में किया था और वियतनामी लोगों ने भी ऐसा ही किया था, जिसको इंडो चाइना बोला जाता है। तो ये राष्ट्रवाद उदय के कारण थे। हालांकि बोर्ड 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका था। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, जो इस बोर्ड परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो क्वेश्चन यह है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ था। कि औद्योगिक क्रांति से पहले, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या समझेंगे आप? औद्योगिक क्रांति वह स्थिति है कि उत्पादन था वो मशीनों पर, मानवीय श्रम की जगह मशीनों से वो उत्पादन शुरू हो गया था, उस काल को औद्योगिक काल कहते हैं। इस काल से पहले हो रहा था आदि औद्योगिकरण। क्या हो रहा था? आदि औद्योगिकरण का मतलब है कि मशीनों जैसा और मशीनों जितनी मात्रा में वैश्विक आपूर्ति के लिए, किसके लिए? वैश्विक आपूर्ति के लिए मानवीय श्रम द्वारा उत्पादन कर लिया जाता था, उस उत्पादन को आदि औद्योगिकरण का उत्पादन कहते हैं। इस आदि औद्योगिकरण के उत्पादन में प्रक्रियाएं मानवीय हाथों से सामान बनता था, मशीनों जैसा और मशीनों जितनी मात्रा में सामान बन करके विदेशों में निर्यात होता था। उस समय विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य की ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। इसका अर्थ क्या समझे आप? कि गोलार्ध में ऐसा कोई महाद्वीप नहीं था जिस महाद्वीप पर ब्रिटेन का उपनिवेश अर्थात गुलाम देश नहीं था। तो एशिया में जब सूर्य उदय होता अस्त होता था, अफ्रीका में चमकने लग जाता था, अफ्रीका में अस्त होता था, तो दक्षिणी उत्तरी अमेरिका में चमकने लग जाता था, उनमें अस्त होता था, तो यूरोप में चमकने लग जाता था। इस प्रकार महारानी ने यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। तो यह विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था, तो औद्योगिकरण हुआ तो क्या लगी? मशीन लगी। क्या लगी? अब मशीनों में किसकी जरूरत पड़ती है? कच्चा माल की। एक तो हाथ से काम किया जाएगा, एक मशीन से किया जाएगा, कौन से में कच्चे माल की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी? मशीन वाले में। तो इस ब्रिटेन के उद्योगपतियों को इस बात का भय नहीं था कि तुम्हें कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, उनको कच्चा माल कहाँ से मिल जाएगा? उपनिवेश देशों से मिल जाएगा। और उनको इस बात का भी भय नहीं था कि उनका तैयार माल कहाँ बिकेगा, इन उपनिवेश देशों में उनका तैयार माल बिक जाएगा, क्योंकि विशाल बाजार थे। जैसे भारत ही मान लीजिए, भारत एक ब्रिटेन का उपनिवेश देश था, तो भारत विशाल जनसंख्या वाला देश था, यहाँ पर उत्पादन इतना होता नहीं था, कच्चा माल आसानी से अंग्रेज यहाँ से अपने जहाजों में लाद करके ले जाते थे, तैयार माल को वही जहाज आते वक्त तैयार माल ले आते थे जो भारत में बेच जाते थे, जाते वक्त कच्चा माल ले जाते थे। इसलिए ब्रिटेन के उद्योगपतियों को इस बात का भय नहीं था कि अगर मशीनें लग गई हैं तो कच्चा माल तुम्हें कहाँ से मिलेगा तथा तैयार माल तुम कहां बेचोगे। इसलिए औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ। दूसरा था लोहा और कोयला की प्राप्ति पास पास होना। जब अब औद्योगिकरण होगा तो क्या लगेंगे? मशीन। मशीन किसकी बनी हुई होती है? लोहे की बनी होती है। मशीनों के इंजन किससे चलते हैं? या लोहा इस बात तैयार किया जाता है किससे होगा? कोयला से। तो उनके अनुकूल स्थितियों ने कारण पास में कोयले की खाने थे, पास में लोहा ऐसा मिलता था। जब औद्योगिकरण हुआ तो लोहे इस्पात की जब मांग बढ़ी, ऐसी स्थिति में लोहे को गला गला करके एक तैयार और कड़ा मजबूत लोहा लेकर के अंग्रेजी शासन ने, अंग्रेज के लेबर्स ने वो तैयार माल था वो उद्योगपतियों को दिया। उद्योगपतियों ने तरह तरह की मशीनें लगानी शुरू कर दी थी। तीसरा था उपभोग के अनुकूल उत्पादन। उस समय यूरोप में दो देश थे, एक देश था ब्रिटेन जो उत्पादन कर रहा था और दूसरा देश था वो था फ्रांस। दो विशाल देश थे, दोनों में कंपटीशन था, दोनों में औद्योगिकरण चल रहा था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ब्रिटेन के उद्योगपति थे, ब्रिटेन के पूंजीपति लोग थे, वो दैनिक उपभोग की आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन करते थे, जो वस्तुएं सस्ती होती थी। बाजार में सस्ती वस्तुओं तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं के खरीदार हमेशा ज्यादा मिलते हैं। फ्रांस के लोग थे ये उत्पादित करते थे विलासी वस्तुएं,
क्रीम है, पाउडर है, या ऐश्वर्य आराम की जो चीजें होती हैं, जो कुलीन लोग जिसका उपभोग करते हैं उन चीजों का उत्पादन करते थे, इसलिए कुलीन वर्ग के लोग विश्व में थोड़े थे, तो उनका उपभोग भी कम होगा। इनके लोग अधिक संख्या में थे, इनका उपभोग भी ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति के अंदर वो उत्पादन करते थे। इनके अलावा वो क्या करते थे, ब्रिटिश वो विज्ञापन जारी करते थे। आप देखते हैं कि सबसे पहले विज्ञापन का कार्य, आज टीवी पर कितने विज्ञापन आते हैं, अखबार में आते हैं, होल्डिंग्स लगे हुए होते हैं, दीवारें पुती हुई होती हैं। ब्रिटिश लोग उस समय विज्ञापन करते थे, भारत में जो चीजें बिकने के लिए आती थी उन चीजों के ऊपर लगाए जाने वाले स्टिकर होते थे वो भारतीय देवी देवताओं से संबंधित लगाते थे। वो क्यों लगाते थे कि जब दुकानों में वो वस्तुएं होंगी, भारतीय लोग उसको खरीदने के लिए जाएंगे, तो वो उन पर देवी देवताओं की तस्वीर होने के कारण भारतीय लोगों को अपनी किसी खास चीज के रूप में वो दिखाई देंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दूं छोटा सा आपको, कि उस समय 18वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटेन से उत्पादित सामान आता था, विशेष करके बच्चों का सामान होता था, उसके ऊपर बालकृष्ण की तस्वीर दी जाती थी। अब बालकृष्ण की तस्वीर को देख करके जो ग्राहक होता था ये सोचता था कि इस वस्तु को मैं ले जाऊंगा तो मेरा कृष्ण, मेरा बच्चा है वो कृष्ण जैसा बनेगा। किसी पर लक्ष्मी की फोटो दी हुई होती थी, भारतीय लोग खरीदते हुए सोचते थे कि इस लक्ष्मी की मेरे ऊपर विशेष कृपा होगी तो मैं काफी धनधान्य हो जाऊंगा, ये विज्ञापन देते थे। और दैनिक उपभोग की वस्तुओं का वो लोग उत्पादन करते थे, इसलिए ब्रिटिश उद्योगपतियों को इस बात का भय नहीं था, उसका सामान तैयार हुआ फटाफट बाजार में बिक जाता था, जबकि फ्रांसीसी कंपनियों में बना हुआ सामान था वो बाजार के अंदर भरा पड़ा रहता था, विक्रय नहीं होता था। पूंजी का प्राप्त होना, अब पूंजी वहां कैसे पहुंची, मैंने आपको बताया था कि आदि औद्योगिकरण से पहले प्राचीन काल में जब व्यापार होता था तो व्यापार के दो बड़े देश थे, एक देश था भारत और दूसरा देश था चीन। भारत से सूती वस्त्र, अगरबत्तियां, सेंट, गरम मसाले ये विदेशों में बिकने के लिए जाते थे। चीन से कपड़ा, सेंट, क्रोकरी का सामान होता था, चीनी पोटली होती थी, रेशम होता था, ये विदेशों में बिकने के लिए जाते थे। उस समय एशिया के दो बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र थे। लेकिन जो ही यूरोपीय लोगों ने जलमार्गों की खोज कर ली, किसकी, जलमार्गों की जब खोज कर ली गई तो धीरे धीरे व्यापार का केंद्र था वो किधर खिसक गया, यूरोप की ओर खिसक गया, और उसका प्रधान केंद्र बन गया था वो इंग्लैंड देश का शहर था लंदन। कौन सा शहर बन गया, लंदन शहर था वो प्रधान केंद्र बन चुका था। कहने का मतलब विश्व के अन्य देशों के उद्योगपति थे, अब बड़े लोग है, जैसे आज मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, दिल्ली है, इन शहरों में बड़े पूंजीपति लोग अधिक क्यों हैं, तो इसका एक रीजन था। इनका मैं एक थोड़ा सा रीजन बता दूं कि प्रारंभ में जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनकी संख्या कैसे बढ़ी। मान लीजिए भारत का एक मानचित्र देखते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं हम कि लोग इकट्ठे क्यों होते हैं, आप समझ आएंगे कि इंग्लैंड में लोग इकट्ठे क्यों हुए थे। अंग्रेजों ने तीन भारत में प्रेसिडेंसी बनाई थी, जहां अंग्रेजों की बड़ी सैनिक अधिकारी रहते थे, बड़े बड़े वेयर हाउस होते थे, राजनीति के केंद्र होते थे, और अंग्रेज परिवार और पदाधिकारी लोग वहां पर रहते थे। ये तीन प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता थी, मुंबई थी, मद्रास उस समय बोली जाती थी, वर्तमान चेन्नई थी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को रेल से जोड़ा गया था, तो प्रारंभ में कोलकाता से मुंबई, मुंबई से चेन्नई जाते थे। अब मुंबई की संख्या कैसे बढ़ी, अब जिनको चेन्नई से कोलकाता जाना है वो पहले मुंबई आएगा, मुंबई के बाद वो कोलकाता जा सकता है, ये परिवहन के साधन होने के कारण। और यहाँ पर विदेशी बंदरगाह था, यहाँ विदेशी व्यापारी आते थे, इन विदेशी व्यापारियों को वस्तु उपलब्ध कराने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से सौदागर लोग होते थे। वे सौदागर लोग कहाँ पहुँचते थे, मुंबई पहुंचने लग गए थे। अब मुंबई जब वो पहुंचने लग गए तो धीरे धीरे दुकानें बढ़ गई, व्यापार बढ़ गया, मशीनें लग गई, और 1854 ईस्वी में कावसी डाबर ने मशीन लगा दी गई थी, इससे काफी बड़ा उत्पादन हो गया था, इससे संख्या बढ़ गई थी। तो व्यापार का केंद्र कहाँ खिसक गया था, इंग्लैंड, और इंग्लैंड का कौन सा देश, कौन सा शहर था जो व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया था, वो था लंदन। अब जब औद्योगिकरण हुआ, मशीनें लगी, उसमें पूंजीपति लोग कहाँ रहे थे, आदि औद्योगिकरण से उत्पादन हो रहा था, पूंजीपति लोग कहाँ रह रहे थे, लंदन शहर में रह रहे थे। जब मशीनों का समय आया, उन लोगों के पास पैसा था, पूंजी थी, उन्होंने पूंजी को बाजार में निवेश किया और सबसे धीरे धीरे औद्योगिकरण हो गया था। उसके बाद में अर्धकुशल श्रमिकों की उपलब्धता होना, अब अर्धकुशल श्रमिक कैसे आए, मैंने बताया था कि औद्योगिकरण से पहले कौन सा कार्य हो रहा था, आदि औद्योगिकरण। आदि औद्योगिकरण में
विशेष करके इंग्लैंड के जो छोटे काश्तकार जिसको कोटेजन बोला जाता था, ये कॉमन्स भूमि में अपनी आजीविका चला करके छोटे छोटे जमीन के टुकड़े इनके स्वयं के पास भी थे, बाकी के जागीरदारों से जमीन पूछ लेते थे, इनके घर के सदस्य काम कर लेते थे और घरों में कपड़ा या बर्तन बनाने का ये कार्य करते थे। अब धीरे धीरे अपना काम भी कर लेते थे, उत्पादन भी कर लेते थे। संयोग से क्या हुआ कि मैं बताता हूं आपको कि ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने उसमें विश्व में आत्मनिर्भर का दौर चल रहा था, तो ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने सरकार पर यह दबाव बनाया, पूंजीपति क्या हम ये बोले, जमींदारों ने सरकार पर यह दबाव बनाया कि ब्रिटेन उस समय मक्का बाहर से मंगाता था, तो उन्होंने एक कानून बनवाया, उस कानून का नाम रखा कॉर्न लॉ। उन्होंने कॉर्न लॉ को लागू किया कि ब्रिटेन में आने वाली मक्का है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। ब्रिटेन में आने वाली मक्का पर जब प्रतिबंध लगाया तो खाद्यान्न वस्तुओं के भाव बढ़ गए। सरकार ने शहर के लोगों के दबाव में आकर के इस कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त किया। जब इसको समाप्त किया तो ब्रिटेन में जितनी लागत से मक्का उत्पादित हो रही थी उससे कम पैसे में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रीका और अमेरिका के देशों में उत्पादित होकर के इंग्लैंड पहुंचने लग गई थी। ऐसी स्थिति में वहां के भूस्वामियों ने जो गांवों में हाथों से काम कर रहे थे उन श्रमिकों को वहां से खदेड़ दिया। जब उन श्रमिकों को वहां से खदेड़ा तो कंडीशन क्या हुई, वो श्रमिक बेचारे कहाँ रहे। धीरे धीरे जब गांव में शहरों में मशीनें लगनी शुरू हो गई तो वो लोग गांव से सीधे शहरों में शिफ्ट हो गए। हाथ से तो काम करना आता था, अब मशीन पर काम कौन करेगा, वो व्यक्ति करेगा जिसको पहले हाथ से काम करना आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति को काम ही नहीं करना आ रहा वो मशीन पर काम नहीं कर सकता, इसलिए पहले उनसे हाथों से काम करना आता था, वे लोग थे वो मशीनों पर काम करने लगे थे। इसलिए अब कुशल श्रमिकों की उपलब्धता हो गई। फ्रांसीसी युद्ध, नेपोलियन के युद्धों में डिमांड बढ़ रही थी, मित्र राष्ट्रों की तरफ से रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के सैनिक लड़ रहे थे, उन सैनिकों के सामान की आवश्यकता करनी थी। साथ में फ्रांस जो प्रतिद्वंदी बना हुआ था उद्योग के उत्पादन में, वो क्रांति के कारण पिछड़ने लग गया था, वो पिछड़ने की स्थिति में मांग थी वो ब्रिटिश सामान की मांग बनी रही और इंग्लैंड के लोगों ने उत्पादन को बढ़ा दिया था। अनुकूल भौगोलिक स्थिति, अनुकूल भौगोलिक स्थिति का मतलब है कि ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसके चारों ओर पानी था, और जिस देश के चारों ओर पानी होता है उस देश पर बाह्य आक्रमण नहीं होते। भारत पर अहमद साहब डाली है, मंगोल शासकों ने, बहुत सारे शासकों ने, सिकंदर महान जैसे लोगों ने आक्रमण किया। उसका कारण क्या था कि भारत दूसरे देशों से स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसमें स्थल मार्ग से सैनिक आराम से घोड़ों से आ सकते थे, लेकिन ब्रिटेन के चारों ओर का पानी था। इस चारों ओर पानी होने के कारण किसी भी विदेशी आक्रांता ने ब्रिटेन पर आक्रमण नहीं किया, इसलिए उसकी भौगोलिक स्थिति मजबूत होने के कारण कभी भी उनका आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक आविष्कार, ब्रिटिश सरकार ने अपने वैज्ञानिकों को नए नए अनुसंधान करने से जोड़ा, कभी भी उनको राजनीति और मजहब से नहीं जोड़ा था। तो यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस साल चार अंक का प्रश्न आ सकता है, इसको आप इस तरीके से सोल्व कर लेंगे, अपनी बुक में पूछ रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है औद्योगिक क्रांति के परिणाम लिखिए। औद्योगिक क्रांति के परिणामों में क्या आएगा कि जो कार्य हाथों से हो रहे थे औद्योगिक क्रांति के बाद में वो कार्य मशीनों से हो गए, इसके मतलब उत्पादन में तेज गति से वृद्धि हुई। दूसरा था कृषि उत्पादन, कि पहले कृषि उत्पादन किया जा रहा था तो जब मशीनें लगी तो कच्चे माल की आवश्यकता ज्यादा बढ़ी, कच्चे माल की बढ़ी तो उद्योगों में मशीनरियां तैयार की गई, उन मशीनों को कृषि बड़ी मेखलाएं विकसित हुई, बड़े बड़े क्षेत्रों में कृषि की जाने लगी और मशीनों को कच्चा माल मिलने लग गया था। इनके अलावा जब पैसे के लेन देन की ज्यादा आवश्यकता पड़ी, बैंकिंग प्रणाली का विस्तार हुआ, बैंकिंग प्रणाली के विस्तार एक नया स्वरूप उभर करके आया था। इनके अलावा जब इंजनों का आविष्कार हुआ तो परिवहन की ऐसी सुविधा उपलब्ध हुई कि समुद्री जहाज थे वो इतने ऐसे और आराम से बनाने शुरू कर दिए गए थे, जिसके कारण संपूर्ण विश्व ग्लोबल विलेज में विश्व सिकुड़ने लग गया था और लोग पर्यटक के रूप में एक से दूसरे स्थान की ओर गमन करने लगे थे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें। धन्यवाद।